बेटा थोड़ा आप पीछे हो जाएंगे। हमारे पुराणों में बताया जाता है कि धरती को निकालने हेतु भगवान ने सुपर रूप धारण किया था। भगवान ने धरती को जल से निकालकर एक निश्चित स्थान पर स्थापित किया था। तब जल, धरती, वायु, आकाश और अग्नि के मिलन से जीवन की उत्पत्ति हुई। अरे पंडित जी, क्या ज्ञान बांट रहे हो? आखिर ये पंच तत्व क्या है? जल, धरती, वायु, आकाश और अग्नि, ये पांच तत्व हैं। और मैं ज्ञान नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। सच्चाई? सच्चाई? अरे कैसी सच्चाई? शस्य श्यामला धरा हमारी, हमको है प्राणों से प्यारी, पर हो गई है इसकी दुर्दशा भारी। हमको है प्राणों से प्यारी, हमको है प्राणों से प्यारी, पर हरी भरी वसुंधरा पे आई है विपदा भारी। विपदा भारी, विपदा भारी, प्रदूषण ने कर दी है इसकी गरिमा काली। गरिमा काली, गरिमा काली, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भू प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भू प्रदूषण के कारण ये धरती और इन धरती वासियों का बुरा हाल है। बुरा हाल है, बुरा हाल है। हवा हवा, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, जहाँ से चली मैं, जहाँ को चली मैं, जमीन दिल में ये मन चली। मगर ये क्या, ये फैक्ट्रियों का धुआं, ये बसों और कारों से निकलता जहरीला धुआं, ये फैक्ट्रियों का धुआं, ये बसों और कारों से निकलता जहरीला धुआं, मेरी सांसों को रोक रहा है, मेरी सांसों को रोक रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर ले लो, हम सब को उठा लो, तारी तारी आओ, ऑक्सीजन के सिलेंडर बनाकर घर घर तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है, परंतु इस नए कार्य में तुम्हारा सहयोग भी पाना है, सहयोग भी पाना है। अच्छा बताओ कैसे सहयोग चाहती हो? 10 एकड़ का खेत है मेरा, खेत है मेरा, खेत है मेरा, बागवानों के पेड़ों से भरा, कटवाने हैं सारे पेड़, सुन रही हो ना, सारे पेड़ बिना सरकारी हस्तक्षेप के, ताकि करीब वा सके हम अपने कारखाने बनाने के उद्देश्य के, उद्देश्य के, उद्देश्य के। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। पेड़ों के पत्थर रख के हमने पेड़ों को काट दिया, और पर्यावरण से